आतंकवादी बनने के लिए ले गए, ठीक है। तो आतंकवादी बनने के लिए ले गए, तो वहां से क्या होगा, आपको बोलते हैं कि आपके घर वालों को हम 50 करोड़ दे देंगे, घर वालों की जिंदगी सुधर जाएगी। तो जो बेचारा गरीब आदमी उसके समझाने में आ जाता है, तो बोल देंगे, अभी मैं एक वो देख रहा था, कोई मूवी देख रहा था, उसकी थी, क्या नाम है, संजय दत्त की कोई फिल्म है, तोलबाज कुछ ऐसे नाम है। उसमें बच्चों को बहला फुसला के कि तुम हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं वो लोग। ये सही घटना, अफगानिस्तान की घटना 2000 की सीरीज में कभी की, 2011 हो रहा थी। तो वहां क्या होता है, आपके घर के लोगों के सुंदर भविष्य की बात करके आपको ले आते हैं, तो वो विलिंगली जाते हैं। एंड दिस इज, उसमें लिखेंगे थे, दिस इज ए वेरी डेंजरस ट्रेंड एंड इट। अब वहां से, यहां तक तो हमने बता दिया क्या क्या है, अब यहां से हम डाइवर्ट करेंगे, उसका समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। नहीं जा रही है, पानी पीजिए। समाज पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका क्या पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई आदमी जबरदस्ती उठा लिया जाता है, उसका परिवार तो बर्बाद हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए वह व्यक्ति अर्निंग मेंबर है, अपने परिवार का अकेला अर्निंग मेंबर है, गया, गायब हो गया, आपने सुना होगा ऐसी बहुत घटनाएं होती है, आदमी गायब हो गया, सब गया ना, उसका कुछ बचा, बच्चे अनाथ, पत्नी भी अनाथ, सब, तो एक स्टिग्मा छोड़ता है। तो आप उसमें स्टिग्मा शब्द का व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे कि इट इज नॉट दैट द पर्सन हु इज ट्रैफिक ही ओनली सफर, ट्रैफिकिंग लीव LEAVES लीव ए ग्रेटर स्टिग्मा ऑन द डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्रैफिक पर्सन एंड ऑल्सो ऑन हिज सोसाइटी। सैकड़ों कहानियां कह जाएगा, स्टिग्मा में सब कुछ समाहित है, ठीक है, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहां तक हमने बताया, लगभग 200 शब्द हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमारी लड़ाई कितना है, कोशिश करना है 150 250 और कर लें, बहुत अच्छा है, मैं 350 ज्यादा कभी नहीं लिखा, और वहां आपको क्वालिफाई करने से मतलब है, कौन सा तगमा लेके जाना है गोल्ड मेडलिस्ट का, काम सबको वही करना है, वेतन सबका वही रहेगा, प्रमोशन ऑलमोस्ट सबका वही रहेगा, अदर देन ST ST, मतलब 10 लोगों का प्रमोशन होता है, तो उसमें एक ST और एक ST का होगा, बाकी 8 सामान्य जन होंगे, और तगमा किसी को नहीं मिलेगा। मेरे साथ जो पास आउट हुआ है, इवन मैं 6 महीना बाद भी ज्वाइन करूंगा, तो सीनियोरिटी में मेरा ही नाम रहेगा, ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है। आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए इतना मंत्र काफी है। उसके बाद आप लिखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है क्या है, इट इज नॉट ओनली ए नेशनल बट इट इज एन इंटरनेशनल क्राइम, मेंशन करेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन इंटरनेशनल क्राइम, एंड अगर क्राइम है तो रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए कार्य होगा, एंड फॉर दिस वेरियस इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन फ्रेम्ड एंड लॉ मेकर, लॉ मेकर का मतलब होता है पुलिस वाले, जनरली पुलिस, लॉ मेकर को हम लिखेंगे कानून, क्या लिखते हैं, लॉ मेकर, ऑनलाइन कोई बताएगा लॉ मेकर किसे कहते हैं, कानूनविद बोल सकते हैं सर, क्या कानून, कानूनविद संसद को कहते हैं सर, कानूनविद तो पढ़े लिखे, आप इसे पुलिस लिख सकते हैं, लॉ मेकर को पुलिस लिख सकते हैं, पुलिस और न्यायालय दोनों लिख सकते हैं, वही दो लॉ मेकर हैं, बाकी आदमी तो लॉ ब्रेकर्स हैं, ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे कि पुलिस और न्यायालय दोनों मिलकर इस विषय पर काम कर रहे हैं, भारत में भी है और पूरे विश्व में भी है। ये करके हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, बीच में हमको कुछ डेटा डालना पड़ेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, आप लोग थोड़ा सा आर्टिकल पढ़िएगा, जैसे जहां तक मुझे जानकारी है कि ज्यादातर मानव तस्करी नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, भारत के लोग, और शायद भूटान है,
देशों के लोगों की ज्यादा चोरी होती है, चोरी मतलब इस सर तरह बहुत उठा करके। हाँ बिहार क्या, झारखंड के लोगों को, भारत में भी ज्यादातर बिहार झारखंड के लोगों को लेके जाते हैं। हाँ बहुत है, बाहर के लोग तो जैसे कनाडा नौकरी के लालच में गए, वो सब होता है। ये डेटा आप लोग कलेक्ट करिएगा प्लीज। हाँ, और उस डेटा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आने वाला है। आप लाल लाइन से इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कारण निवारण सरकारें प्रयास करें, ये लिखेंगे तो लगभग 400 शब्द आपका हो जाएगा, और 400 इज मोर देन सफिशियंट 40 नंबर पाने के लिए। डेटा आप सही डालिएगा, और डेटा जब डालेंगे तो उसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैफिकिंग के जो मेडिकल जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, वो लिखेंगे। ट्रैफिकिंग के सोशल साइड इफेक्ट है, उसमें लिखेंगे कि इतना इतना परसेंटेज, वो आप लोग रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, कल सवेरे वाली क्लास में आप में से कितने लोग थे? कल मैंने आप लोगों से चर्चा किया था पोजीशन ऑफ एडवर्ब के ऊपर, याद है? ऑनलाइन जो लोगों को याद है किसी को? हाँ जी सर। फाइन, तो थोड़ा सा हम उस दिशा में बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब को हम थोड़ा सा अनुवाद की दृष्टि से, नॉट विद द व्यू ऑफ, क्या, अनुवाद की दृष्टि से हम जरा इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था, मैडम इधर ध्यान दें, ए बहनी, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब कोई बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है। एडवर्ब का मतलब होता है प्लेस और मैनर और टाइम, प्लेस मैनर और टाइम। जैसे मैंने कहा कि 10 बजे हैं, इट इज नॉट एडवर्ब। लेकिन अगर मैं कहूं कि समय बड़ा खोटा चल रहा है, समय खोटा चल रहा है, तो चल रहा है जो मैं बोला उसके साथ मैंने समय का जो प्रयोग किया वो एडवर्ब रूप में आ सकता है, ठीक है। तो एडवर्ब को प्लेस करना इंग्लिश ट्रांसलेशन में या सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत जरूरी होता है कि उसको कहाँ रखें। कल मैंने आधा सूत्र बताया था, सब उसके बाद का सूत्र है एडवर्ब को, लिख लीजिए आप लोग, मैं लिख देता हूं। क्या होता है, यह वर्ब के साथ जुड़ करके वर्ब को मॉडिफाई, मॉडिफाई कुछ नहीं है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे मैं कहूं सीता, सीता इज वॉकिंग, बात नहीं, स्लोली, स्लो या स्लोली, दोनों में से कोई लिख लीजिए। सीता इज वॉकिंग स्लो या स्लोली, ये शब्द है। तो वॉकिंग क्या है, वर्ब है, वॉकिंग वर्ब है, नहीं है वर्ब, हम खाली वर्ब पूछे हैं, ठीक है, मेन एक्सिलरी भुला जाएंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं बताता हूं एटलीस्ट ट्रांसलेशन में उसी को फॉलो करिए, कभी कभी मैं दो वर्ड को वर्ब बता दूंगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार हमें तीन तीन वर्ड का भी वर्ब बना लेना पड़ता है। उस लिहाज से देखिए, ये जो वॉकिंग है वर्ब है, चलिए ये दोनों ले लेते हैं, इज वॉकिंग वर्ब है, ठीक है, कैसे चल रही है उसकी विशेषता बता रहा है, स्लो या स्लोली मतलब वो धीरे धीरे चल रही है या धीरे चल रही है। तो इसमें देखिएगा, स्लोली वॉकिंग हो सकता है क्या, इस वाक्य को मैं बदलने का प्रयास करूं, सीता इज स्लोली वॉकिंग हो सकता है क्या, नहीं होगा, वाक्य गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां लिखू वॉकिंग स्लोली सीता इज, गलत है। इसका मतलब है कि ये जो एडवर्ब है वह अक्सर वर्ब के आसपास ही रहेगा। नई नई शादी किसी को हुई आप लोग घर में, भैया की या किसी पड़ोसी भैया की, आप देखिएगा भैया अक्सर भाभी के आसपास ही रहेंगे, भाभी हो गई वहां क्रिया, भाभी रोटी बना रही भैया पहुंच गए, मैं भी करवा दूं क्या, उसी तरह से ये भी भैया भाभी है, ये उस शब्द को क्या बतिया रही है, कितना सब हंस रहे हैं, देखिए सीरियस हो गई है। इसी तरह से ये जो भैया भाभी हैं वो साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। दूसरी बात, यह उस शब्द के बेहद करीब रहेगा जिसकी विशेषता बता रहा है,
उस शब्द के बेहद करीब रहेगा। जैसे एक हिंदी में मैं वाक्य बताता हूं, लिखिएगा। वह अक्सर कहता अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है। इसको लिखिए, समुद्र में रहता है। वाकई आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, ऑनलाइन वाले तो मेरी आवाज सुन के लिख लीजिए। वह अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है, पहला वाक्य। इस अक्सर को हम हटा देते हैं यहाँ से। वह कहता है कि वह अक्सर समुद्र में रहता है। पहले वाक्य में अक्सर वह के बाद आया है और दूसरे वाक्य में अक्सर मिटा दीजिएगा, वह के बाद आएगा। इन दोनों वाक्यों में अक्सर जो शब्द है, अक्सर विशेषता बताता है, यहाँ भी रहने का विशेषता बताता है और यहाँ कहने का, दोनों वाक्य में अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब है, जैसे वह अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है, मतलब जब भी मिलेगा कहाँ हो भाई, समुद्र में। ये लोग काफी खोई हुई है, ठीक है। वह अक्सर कहता है कि वह कहाँ रह रहा है, समुद्र में। अब दूसरा लेते हैं, वह कहता है कि वह अक्सर समुद्र में रहता है, मतलब जमीन पे भी रहता है लेकिन समुद्र में भी रहता है। तो यहाँ यह अक्सर रहने पर रहने को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए अक्सर यहाँ आएगा, और ऊपर वाले में कहने को क्वालिफाई कर रहा है या कहने की विशेषता बता रहा है। कहना क्या है, वर्ब है, तो ये अक्सर उसके साथ रहेगा। तो नियम ये कहता है कि एडवर्ब यथा संभव उस शब्द के पास रहता है, जैसे भैया भाभी की जोड़ी, ठीक है ना, रब्द मिला दी जोड़ी। आगे बढ़े, समझ में आया ऑनलाइन जो लोग हैं? हाँ जी चलिए, अब इसकी सर अंग्रेजी कर, समझ में आया तो इसकी अंग्रेजी कर लीजिए। वह अक्सर कहता है, दोनों वाक्य लिख लीजिए। वह अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है, और वह कहता है कि वह अक्सर समुद्र में रहता है। इसमें अक्सर शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा, बात नहीं दादा, ए दादा बाद में बताइएगा। यूजुअली ऑफन सर ये जो ऑफन अक्सर शब्द है, इसके लिए ऑफिन का प्रयोग करते हैं, OFTEN। समझ नहीं आ रहा तो इसको ऑफिन लिख लीजिए आप। यूजुअली नहीं, ऑफिन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो कहा गया है ना, उल्टा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप भी ब्रह्म समान हो जाएंगे, ऑफ्टेन ऑफ्टेन करते करते कभी तो टी साइलेंट हो जाएगा, नहीं कुछ बोलता है, ठीक है। तो ही ऑफ्टेन सेज दैट, वह अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है। ही लिव्ड इन समुद्र, लिव्स होगा, वेरी गुड। वह अक्सर कहता है कि वह समुद्र में रहता है। ही ऑफ्टेन टेल्स या सेज दोनों चलेगा, वो आपकी मर्जी लिख लीजिए। अनुवाद में हम पाबंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अनुवाद क्या होता है, भावना संप्रेषण होता है। वो जब आप उसमें जाएंगे नरेशन में, तब वहां रूल करिएगा, 2 का 2, 2 दून 5, ठीक है। यहाँ अगेन ये बदल जाएगा, ही सेज दैट ही ऑफन लिव्स इन, कहाँ, इन द सी, वेरी गुड। अगले वाक्य में चले, चलिए, समझ में आया मैडम? ए मैडम, क्लियर, अगली बार गलती नहीं होगी, वेरी गुड। अगला वाक्य हम लेते हैं, दूसरा सूत्र है। मैंने बताया कि वह अब साथ में रहता है, अब एडवर्ब वाक्य के अर्थ को भी बदल देता है। कैसे बदलता है, उदाहरण देंगे, चलिए। एक वाक्य लिखिए, अब शब्द पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब राधा बहुत प्रसन्न है, ठीक है। अब राधा बहुत प्रसन्न है, अब राधा बहुत प्रसन्न है। अगला लिखिए, राधा अब बहुत प्रसन्न है, अब राधा बहुत प्रसन्न है। ये अब शब्द इसमें क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि प्रसन्नता को क्वालिफाई करता है, प्रसन्नता की खूबी बताता है।
पहला वाक्य है अब राधा बहुत प्रसन्न है, अगला वाक्य है राधा अब बहुत प्रसन्न है। क्या होगा अनुवाद इसका? राधा इज हैप्पी नाउ। जो है इसमें शब्द जुड़ता है नाउ, राधा इज वेरी हैप्पी, कल उदास देखे थे उसको, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद दूसरा है राधा अब बहुत प्रसन्न है, राधा बोली श्याम नहीं आएगा तो मैं प्रसन्न नहीं होंगी, जिन्हों श्याम आ गया लो ना, देखो आ गया श्याम तो प्रसन्न हो गई। दोनों रूपों में अर्थ अर्थ बदल रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसमें अब जो है आप कह सकते हैं मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, अपना जगह बदल लेगा, अर्थ भी बदलवा देगा, ठीक है। चलिए अगला, अक्षमक क्रिया और सकर्मक क्रिया याद है आप लोगों को, हे विश्वमान इंग्लिश भाषा, अकर्मक क्रिया क्या है तो हमको ही पता है, उदाहरण लीजिए ना। जैसे राधा नहा रही है, राधा नहा रही है, नहाना सकर्मक है या अकर्मक है? कर्म है इसमें, अकर्मक है, राधा नहा रही है, इसका मतलब ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया के साथ भैया ना हो, मतलब कर्म ना हो, ठीक है, क्रिया के साथ कर्म कर्म ना हो, या अगर कर्म है तो क्रिया का उस पर प्रभाव ना पड़े। जैसे मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, दोनों में देखना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? स्वतंत्र है, ठीक है। लड़का भी बोलेगी मैंने तुझको देखा, लड़का भी बोलेगा मैंने तुझको देखा, लड़की भी बोलेगी मैंने तुझको देखा या मैंने तुझको देखी। हाँ बोलिए सर, इसकी जो ये संयुक्त क्रिया है रही रहे, तो सर इसमें तो परिवर्तन होगा, तो सर इसको सकर्मक बोलेंगे कि अकर्मक बोलेंगे फिर? नहीं देखिए, आपको यह देखना है कि कर्म का प्रभाव क्रिया पर या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पुरुष के साथ पढ़ता हूँ, कर्तव्य के अनुसार जैसे परिवर्तन रहा रही में होगा, जैसे यहाँ पुल्लिंग का अपन लगाएंगे तो रहा हो जाएगा। नहीं नहीं वैसे नहीं, आपको इस तरह से देखना है, आपको ऐसे देखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लड़का हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। काजल अगर बोलेगी तो काजल क्या बोलेगी? मैं पढ़ रही हूँ। इसका मतलब है पढ़ना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हाँ, कर्म छुपा हुआ है यहाँ। चाहे मैं ये दूसरा लिखता हूँ कि काजल किताब लिख रही है, काजल किताब लिख रही है, लिखने का प्रभाव किताब पे पड़ा। काजल हटा देते हैं, काजल के जगह राजेश लिख देते हैं, रमेश किताब लिख रही है होगा, क्या होगा? किताब लिख रहा है तो लिखने का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वह किसमें जाएगा? सकर्मक में जाएगा, ठीक है। तो इसमें सूत्र है अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आता है, लिख लीजिए तब याद रहेगा। अकर्मक रेफरेंस के लिए काम आएगा, अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। यह बहुत महत्वपूर्ण, अगर यह लाइन आपको याद हो गई ना तो आपका अनुवाद 99% सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में अगर कहें तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि हम आधे ज्यादा लोग हिंदी मीडियम है, हाँ, और हिंदी ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में इसको ले सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के बाद आता है, आपको याद होना चाहिए, आपने टाइप किया ये सारा, नहीं याद है, बस टाइप करके भूल गए, इसलिए ज्यादा गलतियां की हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव, सकर्मक अकर्मक वैसे हिंदी में भी होता है, तो उसकी जो विशेषता बताता है वो उसके बाद रहता है। जैसे एक वाक्य लिखिए, पितामह शांतिपूर्ण मरे, पितामह शांतिपूर्ण मरे, भीष्म पितामह की बात कर रहा हूं मैं,
अरे पितामह को हमने नहीं देखा है, शांतिपूर्ण मरे, क्या होगा इसका? पितामह हाँ, देखिए ये रिश्ते बड़े खराब हैं। अंग्रेजी में अंकल अंटा बोल के चल जाता है, चाचा मामा सबको अंकल अंकल बोल दीजिए, हिंदी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पितामह को ग्रैंडफादर लिख दीजिए, द ग्रैंडफादर पीसफुली डाइड नहीं होगा, डाइड पीसफुली होगा, ठीक है। चलिए एक और उसी में फादर लिखेंगे तो फिर वो पितामह का तो भाव नहीं निकल के आ पाएगा ना, समझने वाले तो ग्रैंडफादर समझ लेंगे। चलिए क्या नाम है आपका? शिखा। नाम बताएं आपका? शिखा। अंशिका। शिखा जी, शिखा जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जरा फिल्मी दुनिया में चलता हूँ। आपने कहा अगर ग्रैंडफादर कहूंगा तो लोग समझ लेंगे दादाजी, अरे लोग चाहे ऊपर पड़े हमको क्या लेना देना। आप जब अंकल कहती हैं अंग्रेजी में तो आप अंकल मऊसा को कहती हैं कि चाचा को कहती हैं, किसको कहती हैं? उस बकलोलवा कैसे पता चलेगा, बताएं जरा शिखा। सर आपने महाभारत वाले पितामह की बात की, अब कोई बात नहीं वो छोड़ दीजिए ना, मैं अनुवाद सिखा रहा हूँ आपको और अनुवाद में यह जानना लाजमी है। मैंने पितामह, क्योंकि पितामह अंग्रेजों के यहाँ तो प्रथा ही नहीं है, उनके यहाँ तो रोज पिता बदल जाते हैं। माय स्टेप फादर, वो कहेगा ही इज माय चाट, बदल गया। भारत में ऐसी प्रथा नहीं है बाबा, आप बताइए। आप मऊसा को अंकल कहती हैं, मऊसा दो थप्पड़ धर के देगा, बोलेगा हम चाचा तो कैसे हो गए रे। आप अनुसार मैं फिर अगेन आपको वापस ले जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में हर चीज को पीते हैं, हर चीज को खाते हैं, पीते नहीं है। अब मान लीजिए आपका दोस्त कहेगा कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, मतलब बंगाली दोस्त है, बोलेगा आमी सिगरेट खाबो। कहाँ जी हैं आप? शिखा जी, शिखा जी बंगाल से टच हैं शायद आप। आमी सिगरेट खाबो, हाउ मैन यू वॉन्ट टू ईट सिगरेट, हाउ, मतलब वो खिलाएंगे कैसे खिलाएंगे। तो जब आप अन्य भाषाओं में मानती हैं तो हिंदी में भी इसका सम्मान करें और भ्रम में ना रहे, ठीक है। चलिए हम अनुवाद कर रहे हैं, रिश्ते बनाए, आगे बढ़ते हैं। समझा पाया शिखा? नहीं समझा पाया, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो रिश्ते अंग्रेजों में होते ही नहीं है। अंग्रेजों में कोई अगर पेपर पर जैसे पितामह ऐसा कोई शब्द आता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है तो पितामह, हाँ अगर पितामह शब्द का लिप्यंतरण कर लेती है तो भारी भूल होगी। पितामह का, पितामह किसको बोलते हैं हम लोग संस्कृत में? पिता के पिता को पितामह बोलते हैं और उसके बाद और पिता जुड़ते जाएंगे उसमें, वो सुपर पितामह हो गए। जैसे सुपर मून आता है आजकल, सुपर मून, सुपर है तो लिखने जरूरत नहीं ज्यादा। जब अंग्रेज मऊसा को अंकल कह के काम चला लेते हैं, सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, सारी तो कानून से ही सिस्टर हैं, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरे पति की बहन हो, सब तो कानून से लॉ बनाते हैं, गड़बड़ है। चलिए उससे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य लीजिए, राजा यहाँ रहता है, राजा यहाँ रहता है। जी भावनाओं को समझिए और भाषा की प्रकृति के अनुसार हमेशा अनुवाद करें। जिलेबी को राउंड 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 मिस्टिया मत लिखिएगा, राजा लीव, उसका ध्यान है। राजा यहाँ रहता है, लीव्स हियर। ये जो लीव जो शब्द है वो क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ, क्रिया विशेषण में मैंने समझाया था आप लोगों को, है संतोषी मां जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो अलग हो गया, डोंट आस्क, ये वर्ब हो गया, कहाँ कहाँ, ये जितने शब्द हैं ये सारे क्रिया विशेषण हैं और उनका अनुवाद हियर देयर ऊपर नीचे ऐसे करके कर लेते हैं। तो ये लीव्स के साथ, क्रिया के साथ। हाँ शांतिपूर्ण का क्या होगा? पीसफुली, पीसफुली सर, वहाँ शांतिपूर्ण होगा या शांतिपूर्वक होगा? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक एक ही चीज है, पीसफुल या पीसफुली। हाँ क्या बोले नया? अरे भैया है राजा, उनका नाम है, या आपके भैया राजा उनका नाम है, ठीक है, हम सबके राजा भैया गोविंदा जी। चलिए कल मैंने आप लोगों को बताया था ये जो राजा, मैंने आपको बताया राजा लिव्स हियर, कल की चर्चा अगर याद हो
तो मैंने कहा था हियर इज रानी या सीता, कुछ एक ऐसा वाक्य लिखाया था और मैंने उल्टा बता दिया, राजा लिव्स हियर। अब ये क्या गड़बड़ है बताइए जरा, LIVE राजा लिव्स हियर, अपनी ही बात को मैं उल्टा दोहरा रहा हूं। कल क्या मैंने बताया था, हियर लिव्ड या हियर लिव्स राजा, मैंने बताया था कल, आप लोग शायद भूल गए कि कविता कहानी के रूप में जब लिखेंगे ना तब हम हियर को आगे लिखते हैं, हियर पे ज्यादा इंफेसिस देना हो तब। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ बोलिए, यहाँ वो एक अनुवाद एक ही होगा, ठीक है, चाहे मौसी कहे, वो गाना गाया है किसी ने, जग में सुंदर है दो राम चाहे कृष्ण कहो या काम, एक ही कहानी आता है। चलिए अगला वाक्य लेते हैं, हम मित व्ययिता से जीते हैं, ये सब आप लोग कर चुके हैं। हम मित व्ययिता, मित व्ययिता, हम मित व्ययिता से जीते हैं, जीते हैं। ये जो मित व्ययिता शब्द है इसको मिजरेबली मत लिखिएगा, और कंजूस को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, माइजरली भी मत लिखिएगा। मित व्ययिता मैं बता रहा हूं, इसका एक अलग शब्द है, रट लीजिएगा। मित व्ययिता और कंजूसी में अंतर है। कंजूसी का मतलब ये हो गया है कि मेरे इस शर्ट का बाजू फट गया है, हाँ, और मैं इसको ऐसे ऐसे करके चढ़ा लेता हूँ, ठीक है, या फिर काले रंग का है तो दो महीना चल जाएगा, नहीं धोऊंगा तभी काला ही दिखेगा, दैट इज कंजूसी। और मित व्ययिता का मतलब है कि मेरे पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं है तो मैं बड़ा साबुन 40 रुपए वाला नहीं ले आकर के 2 रुपए वाला टिकिया ले आऊंगा, उसी से रगड़ रगड़ के साफ कर लूंगा, मतलब जितना पैसा उसमें। और मित व्ययिता शब्द की अंग्रेजी होगी FRUGALLY, फ्रूगल शब्द होता है ना, फ्रूगल, उसमें गली लगा देते हैं, गली कुचा। तो हम का होगा वी, लिव होगा लिव्स होगा, और लिव का स्पेलिंग LEVE, वेरी गुड। वी लिव कैसे, फ्रूगली, अगली पिछली लिखते हैं वैसे ही फ्रूगली, ये कुछ हमारे पुराण में लिखा हुआ है इसलिए पांडुलिपियों से बात करते हैं। आगे बढ़े, एडवर्ब बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूं। लिखिए, मैंने आपको इसके पहले अकर्मक क्रिया की बात बताई थी, लिखिए सकर्मक क्रिया के बाद सकर्मक क्रिया के बाद जब उसका कर्म हो, सकर्मक क्रिया के बाद जब उसका कर्म हो तो क्रिया विशेषण कर्म के बाद आएगा, सकर्मक क्रिया के बाद जब उसका कर्म हो तो वह कब आएगा, क्रिया विशेषण बाद आएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हाँ, जब सकर्मक क्रिया के बाद उसका कर्म हो तो क्रिया विशेषण कर्म के बाद, जैसे मैं रानी का नाम लेता हूँ, रानी नहीं है, रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है, धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है। अब इस वाक्य में जरा सुन लेते हैं, इस वाक्य में कर्म क्या है, कर्ता क्या है, जरा पहचाने। डे वन से मैं बोलता हूं ना, कर्ता कर्म वगैरह पहचानना जरूरी है। रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है, इस वाक्य में आप मुझे कर्ता और कर्म बताएं। खड़ी हो जाओ थोड़ा सा, पैर में वो हो गया ना, खड़ी हो बैठे। रानी क्या है, रानी कर्ता, मतलब जो कर रही है, और बांग्ला शब्द क्या है, बांग्ला शब्द संज्ञा है ना, भाषा है, तो वह कर्म हो गया। रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रानी बांग्ला धारा प्रवाह नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कर्मक है तो कर्म के पहले प्रयोग होगा हिंदी व्याकरण में। और फाइंडिंग नेमो एक सीरियल आया था, देखा आप लोगों ने, मूवी है, इसी तरह से यहाँ फाइंडिंग सकर्मक, ठीक है, नीमो के तर्ज पे। चलिए, रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है,
सकर्मक है इसलिए कर्म के पहले आएगा, फाइंडिंग एरर में बहुत काम आएगा यह। अब इसका अनुवाद करें, रानी रानी स्पीक्स या स्पीक क्या होगा, एस लगेगा क्योंकि रानी सिंगुलर है, यस यस का प्रयोग होता रानी अगर बहुवचन होती, रानी स्पीक बंगाली बी ए एन जी एल ए या बंगाली दोनों हो सकता है, ठीक है बी एन जी एल आई भी लिख लेते हैं, बांग्ला जो आपको अच्छा लगे, बंगाली लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसका अंग्रेजीकरण कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ फ्लुएंटली गया, आगे बढ़े एक और उदाहरण, ना समझ में आए तो बताइएगा, समझ पा रहे हैं? कल का क्लास में कर नहीं पाई थी इसलिए थोड़ा डाउट था, अगर रानी स्पीक फ्लुएंटली बंगाली करते तो। हाँ बिल्कुल सही बोली है, रुकिए एक प्रश्न आया है, देखिए रानी स्पीक फ्लुएंटली बंगाली, इनका ये कहना है कि हम ऐसे लिखें तो वाक्य सही है या गलत है, बताएं आप लोग, गलत है फ्लुएंटली तब नहीं आएगा, रानी स्पीक फ्लुएंट बांग्ला होगा, एल वाई नहीं रहेगा तो ये एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, रानी स्पीक फ्लुएंट बांग्ला चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन रूल के अनुसार उसको ये गलत है, फ्लुएंटली होना चाहिए और बांग्ला पहले आएगा, बहुत लिखा दिए, ठीक है पांच फ्लुएंट लिखेंगे तो एडवर्ब ही रहेगा, एडवर्ब भी तो है, ये क्या है हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, एडवर्ब भी तो माफ कर रहे हैं अभी तो, चैप्टर तो एडवर्ब का ही चल रहा है, मैंने आपको बताया रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है, मैंने आपको नियम बताया कि जब जब सकर्मक क्या है क्रिया हो तो वह क्रिया कर्म से पहले आती है, ठीक है रानी धारा प्रवाह बांग्ला बोलती है, इसकी जब अंग्रेजी करेंगे तो रानी स्पीक्स क्या सब्जेक्ट हो गया, देखिए आप अंग्रेजी का वो तर्ज देखिए ना, रानी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये वाला तो इसके बाद में जाना चाहिए ना, फ्लुएंटली स्पीक को क्वालिफाई करता है तो उसके के बाद में आएगा और वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, क्लियर है मैडम आपको समझ में आए, ठीक है आगे बढ़े एक और वाक्य फिर देखते हैं आप लोग क्या समझ पाए हैं, देखिए धर्मराज सदा सच बोलते हैं, धर्मराज सदा सच बोलते हैं उसमें एक लाइन और जोड़िए, वह कभी झूठ नहीं बोलते, धर्मराज सदा सच बोलते हैं वे कभी झूठ नहीं बोलते, लिखिए हो गया बोलिए, क्या हुआ नहीं आप लोगों का बोलिए, नेवर लाइज, ठीक है चलिए बोर्ड पे मैंने कुछ वाक्य लिखा है, ऑलवेज एवर लिख लीजिए, ऑलवेज एवर ऑफन, ऑलवेज एवर ईवीआर ऑफन ओ एफ टी एन ऑफन के बाद सेल्डम एस ई एल डी ओ एम, सेल्डम के बाद नेवर, नेवर के बाद समटाइम,
समटाइम्स SOMETIMES समटाइम्स के बाद फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, कौन सा ये एडवर्ब है, ये टाइम वाले हैं, ठीक है, समय सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ये हमेशा उस क्रिया के पहले रहेंगे जिसकी विशेषता बताते हैं। एकदम ये रूट मान लीजिए आप कि ये जो शब्द हैं ये हमेशा उस क्रिया के पहले रहेंगे जिसकी विशेषता बताते हैं। जैसे आपने अभी किया, धर्मराज सदा सच बोलते हैं, धर्मराज ऑलवेज द ट्रूथ, ही नेवर लाइज। दोनों में देखिए सब्जेक्ट के पहले आए हैं दोनों शब्द, तो इन शब्दों को नोट कर लें डायरी में। नियम कहता है कि क्रिया से पहले, जो जिस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आगे बढ़े दे। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को बताया मैनर मींस एंड इंस्ट्रूमेंट, लिखिए जरा, बस इतने भी छोड़ देंगे आज। कितना बज गया, 11:30, बस सात आते ही होंगे, आखिरी आज का आखिरी, फिर थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, ठीक है। चलिए आज का आखिरी लेते हैं, लिखिए मैनर मींस एंड इंस्ट्रूमेंट। आज को जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो दो तरह से काम आएगा आपका, दो तरह से, मतलब आपका हिंदी में व्याकरण की भूल सुधारना और अनुवाद दोनों पे आपका काम हो रहा है। मैनर मींस एंड इंस्ट्रूमेंट, मैनर मींस और इंस्ट्रूमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं रीति और साधन। रीति और साधन, साधन का मतलब बस से, ट्रेन से, पैदल, या फिर वो आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा ना, हैरी पॉटर वाली बुढ़िया माई के झाड़ू बैठ के जाती थी, ठीक है, तो भी चलेगा, वो साधन है। देखिए हैरी पॉटर, अभी हॉस्पिटल में एक लेडी एडमिट थी बुढ़िया, उसका चेहरा एकदम, वो जो झाड़ू वाली लेडी चलती थी ना, तो हमारी श्रीमती जी बड़ा मजाक भी करती है, बोली वो देखिए वो झाड़ू वाली बुढ़िया है, एकदम नाक नक्श ऐसे। लिखिए, लिखा आपने, इसका लिखिए ऐसे क्रिया विशेषण वाक्य के अंत में आते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में नहीं। ऐसे क्रिया विशेषण अंग्रेजी वाक्य के अंत में आते हैं, अब इतना अगर आपको याद रह गया ना तो आपका अंग्रेजी बड़ा चकाचक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो क्रिया विशेषण है वाक्य के अंत में आते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, लिख लीजिएगा। एक उदाहरण आप देंगे, हम दें, कहाँ से आते हैं नया, हाँ है, सॉरी किससे आती हैं, बस से, चलिए आप पैदल आती हैं, आप ट्रेन से, बस और ट्रेन को मिला देते हैं, ठीक है। तो लिखिए नेहा विद्यालय बस से आती है, नेहा विद्यालय बस से आती है, या फिर नेहा बस से विद्यालय आती, दोनों चलेगा, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, नेहा कम्स टू स्कूल बाय बस, स्कूल बाय बस, बाय बस, बाय ट्रेन, ये सब लास्ट में रहेगा, क्या है डाउट क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तीन अगर याद रह गया, मैनर मींस और इंस्ट्रूमेंट, चक्कू से मारा, ठीक है, बैट से मारा, छक्का, ये सब जो साधन है या इंस्ट्रूमेंट है, ये वाक्य के अंग्रेजी के वाक्य में अंत में, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मुझे लगता है
अगला जो अनुवाद दूंगा उसमें आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इतना ही छोड़ दें। ठीक है चलिए, अब थोड़ी बहुत गलतियों पे चर्चा कर लें, मनोरंजन करते हैं अब। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया अगर किसी को संदेह हो तो पूछ सकता है। नहीं देखिए, मैं गलतियों की बात जरूर करूंगा क्योंकि परीक्षा में आपकी भयंकर भूलों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ध्यान सुनिएगा, परीक्षा में आया हुआ था एफॉरेस्टेशन, वानिकीकरण। ठीक है, लोगों ने दमा दम लिखा और खूब लिखा, बाद में चला डिफॉरेस्टेशन लिख के आ गए। ऐसी ही एक भूल हमारी एक बहन जी ने किया है यहाँ, वहां के जो लिखने के लिए मैंने संदर्भ दिया था उसका हेडिंग अंग्रेजी में था और इन्होंने डेढ़ पन्ना खींच दिया हिंदी में। मानव तस्करी मैं अचानक दिखा रही का हिंदी में लिख रहे हैं उनका, बहुत अच्छा। यह भूल नहीं होनी। अब सोच लीजिए कि कम से कम 150 लोगों ने एसएससी की परीक्षा में उड़ गया, दिमाग ही वहां उड़ गया, अंधे हो गए और एफोरेस्टेशन को डिफोरेस्टेशन लिख के आ गए। जब आधा लिख लिया, कुछ लोगों को याद आ रही है तो हम भूल कर रहे हैं, तो वहां जाके आधा तो आपने कचरा कर दिया है, अब परीक्षक आगे थोड़े पढ़ेगा, वहां जाकर के उन्होंने फिर एफोरेस्टेशन लिखना शुरू किया और इसका फल हुआ कि 20 नंबर ज्यादा नहीं मिला। आपको परीक्षा में जो प्रश्न दिया जा रहा है कभी भी वो क्या बोलते हैं कि आंख बंद करके ना यकीन करें। मैं भी खोया हूं, क्लास 10th में मैं फेल होते होते बचा, 1857 के गदर के पतन का कारण पूछा था, 1857 देखा और गदर का कारण 14 नंबर का प्रश्न छूट गया इतिहास का, मतलब गलत लिख के आ गया और उसके कारण फर्स्ट डिवीजन नहीं बना, 12 नंबर ही चाहिए था 60% के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी भूल ना करें। तो एक गलती ये करते हैं, दूसरी गलती जब आप लोगों को टेस्ट दिया जाता है, अभी से आदत डालिए,